गाइस, मेरा नाम दर्शन यादव है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वेड न्यूज़ की एडवांस बुकिंग। कई लोग में भी कमेंट कर रहे थे कई जगह पे कि एडवांस बुकिंग इसका क्या रहेगा। देखो 19 जुलाई को आने वाली मूवी, 16 जुलाई हो रहा है, 3 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग करण जौहर ने धर दी है। मैं आपको बता दूं, इसके फिल्म मेकर और मे बी करण जौहर ही खतरनाक प्रोडक्शन और डायरेक्शन के साथ ला रहे हैं अपनी बैड न्यूज़ मूवी। करण जौहर की हर मूवीज अपने आप में एक अलग ही रोल निभाती, एक अलग ही एडवांस में लेके जाती, एक अलग ही प्यार लेकर जाती है। और 3 दिन पहले खोली गई इस एडवांस बुकिंग में मुझे लगता है 1 लाख के समथिंग तो इसकी एडवांस बुकिंग होनी ही चाहिए। क्या लगता है आपको 19 जुलाई को जल्द आने वाली मूवी? मुझे भी थोड़ा ट्रेलर देख के कॉमेडी और थोड़ा थ्रिलिंग सस्पेंस और कुछ तो मिस्टीरियस है ऐसा कुछ तो वाइब्स आई थी जब इसका मैंने ट्रेलर देखा था। कॉमेडी तो भरपूर है, नो डाउट कॉमेडी तो आपको भरपूर मिलेगी। चलो देखते हैं 19 जुलाई को क्या होता है। एडवांस बुकिंग की बात करूं तो अभी स्टार्टिंग हो गई है, 16 जुलाई आज से स्टार्टिंग है, तो जस्ट आपको देखना पड़ेगा। वही बात करते हैं इसके बजट को लेके, तो 100 करोड़ के समथिंग मेरे को लगता है इसका बजट होना चाहिए। धर्मा प्रोडक्शन इसको लेकर आ रहे हैं तो 100 से अंदर का ही इसका बजट लेकर आते हैं, इससे ज़्यादा का बजट नहीं रखते हैं लोग, क्योंकि फिर वो रिस्की हो जाता है कभी कभी। और मुझे लगता है इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो यार इंडियन 2 और सरफिरा को देखते हुए मुझे लगता है कि क्या हो रहा है आजकल बॉलीवुड और साउथ इंडिया में तो इंडियन 2 को तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है, नो डाउट साउथ में तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है कमल हसन को, बट अक्षय कुमार का क्या सीन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर देखते हैं अभी भी बैड न्यूज़ का 19 जुलाई के बाद क्या होता है, एक दो सो में ही समझ में आ जाएगा कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्योंकि मूवीज़ का कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि लोग सजेस्ट करेंगे कि नहीं इस कंटेंट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।